हाई गाइज यू आर बैक विद अनदर वीडियो एंड नाउ यू कैन सी मी एज वेल अभी तक आप मुझे सुनते आए थे अब आप मुझे देख भी सकते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं इडियम्स के बारे में सबसे पहले इडियम्स होते क्या है इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे तो हम देखेंगे कि मुहावरों को हम डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं एंड अपने जो कम्युनिकेशन है अपने जो कॉन्वर्जेशन है उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सो बिफोर बिगिनिंग विद पीपली हाँ मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मेरा नाम अंकुर है एंड मैं एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूँ एक पब्लिक स्पीकर हूँ एंड एक सेल्फ पब्लिश ऑथर भी हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टूडे एंड अब हम देखें कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं एंड uh, इस पूरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि हर जगह मैंने कुछ ना कुछ टिप्स ऐड कर रखे हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं तो तीन बेसिक चीजें जो हम आज सीखने वाले हैं उनमें से फर्स्ट है इलेवन डेली यूज इडियम्स एंड उसके बाद हम लोग सीखेंगे शॉर्ट फ्रेजेस क्या हैं ये दोनों का मिक्स रहेगा पूरी पीपीटी में ऐसा नहीं है कि पहले आपको मैंने इडियम्स बताया एंड देन शॉर्ट फ्रेजेस बताया है एंड लास्ट वुड भी हाउ टू रिप्लेस आईडोनो हम आइडोनो बहुत कॉमनली यूज करते हैं तो हम देखेंगे कि आइडोनो को रिप्लेस करने के लिए हम और क्या बोल सकते हैं फर्स्ट वन इज गेट बैक टू मी इसका मतलब है किसी को कुछ जानकारी देनी किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देनी है उसके लिए हम दोबारा उसके पास जाके बात कर रहे हैं तो आफ्टर कलेक्टिंग दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी एच आर यू गेट बैक टू मी उनसे एच आर से आप इन्फॉर्मेशन देने के बाद देन यू कम टू मी एंड टेलमी की क्या बात हुई थी ओके आफ्टर दैट सेकेंड सेंटेंस ये हमारा इडियम है टू लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई इसका मतलब है कि जो सिचुएशन वैसे है उसको वैसे ही छोड़ देना क्योंकि अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे उसको आप छेड़ेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है आई थॉट अबाउट ब्रिंगिंग अप माई कंसर्न बट डिसाइडेड इंजेड टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई कि मैं अपने कंसर्न के बारे में मैंने सोचा था कि मैं लेके आऊं उसे उठाऊं मुद्दा बनाऊं पर मैंने सोचा कि उसे एज इट इज छोड़ देते हैं जैसा वो है सेंटेंस इज यू रिपीट दैट प्लीज इसका मतलब है कि आप दोबारा से बोल सकते हैं रिपीट कर सकते हैं आपको कुछ चीज समझ नहीं आई है तो आप इससे स्पीकर से बोल सकते हैं कि कुड यू प्लीज रिपीट दैट And our is to leave no stone unturned. इसका मतलब हैवरी थिंग पॉसिबल टू फाइंड समथिंग कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप हर uh, मतलब जमीन आसमान एक करना जो हम बोलते हैं वो कर रहे हैं दि रिसर्चर लेव नो स्टोन ऑन टर्न इन हर रिसर्च फॉर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के लिए उसने कोई भी ऐसा चीज नहीं था कि छोड़ा हो एंड uh, सब चीजें चेक करी थी और राइट right. नेक्स्ट इज मे आई नो दर्पस क्या मैं उद्देश्य जान सकता हूं किसी चीज का पर्पज आपको जानना हो तो आप पूछ सकते हैं कि मे आई नो दर्पस किस लिए चाहिए आपको ये सामान लाइक दैट नेक्स्ट इज टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन कि आप दो तीर, एक तीर से दो निशाने उसके लिए हम यूज करते हैं टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन ठीक है कि आप एक एक्शन के साथ दो चीजों को अचीव कर रहे हैं वी कैन किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन बाय ड्रॉपिंग ऑफ द मेल व्हेन वी गो टू द ग्रोसरी स्टोर की जब आप ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं तो रास्ते में ही मेल ड्रॉप करते हुए जाना है इससे क्या होगा हमारे दो काम एक साथ हो जाएंगे हाउ डू यू डू मतलब आप कैसे हैं हाउ आर यू की जगह यू कैन आस्क हाउ डू यू डू एंड नेक्स्ट इज टू कीप व अप मतलब क्या हम लोग हमेशा चेयरफुल रहते हैं ऐसे है अगर हमने फेस नीचे किया हुआ है दैट इट कि हम लोग सैड हैं है ना चिन अप रखने का मतलब है कि आप होपफुल हैं डिफिकल्ट टाइम के दौरान भी आपेक्ट है, है? आप नहीं कर रही है और कर भी रही है तो दूसरों को नहीं दिख रहा है ही इज स्टिल कीपिंग हिज चिन अप डिस्पाइट ऑल हिज हेल्थ प्रॉब्लम मैंने डिस्पाइट का यूज बताया था कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है लोग ये मिस्टेक बहुत कॉमनली करते हैं सेकेंड इज के आप यहाँ पे इडीएम को यूज कर रहे हैं कि अपनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम में हेल्थ प्रॉब्लम के बाद भी ही इज ऑलवेज चेयरफुल एंड होपफुल आपने देखा होगा कई कैंसर पेशेंट्स होते हैं जैसे तो उनका ऐसा होता है कि कई लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है वो चीज कि हम लास्ट स्टेज में लास्ट स्टेज में तो वो आपको मेंटली भी इफेक्ट करता है वही कई लोग चेयरफुल रहते हैं कि हमें अपनी लाइफ एटलीस्ट जीती है जितना भी टाइम हमारे पास बचा है वॉट डू यू डू इज आप क्या करते हैं डू नॉट कंफ्यूज इट विद हाउ डू यू डू हाउ डू यू डू इज आप कैसे हैं? एंड वॉट डू यू डू इज कि आप क्या करते हैं ठीक है एंड इट टेक्स वन टू नो वन नो वन इज बेटर एट फाइंडिंग अ रॉन्ग डूअर कि जितनी गलत मैं हूं उतनी गलत आप भी हो ठीक है तो यही है कि इट टेक्स वन टू तो नो वन यू से is अ टेरिबल कुक इट टेक्स वन टू नो वन कि आप बोल रहे हैं कि वो टेरिबल कुक है आप भी उतने ही बुरे कुक हैं ठीक है तो इसके लिए ये बताया हुआ सेंटेंस गेट रियल का मतलब है यूज टू कन्वे दैट आइडिया और समथिंग इज फुलिश और ओवर आइडियलिस्टिक कि हम uh, बोल रहे हैं कि मुझे चांद पे जाना है एंड मेरी कोई तैयारी ही नहीं है तो उस इंसान को मैं बोलूंगी जो भी मुझे ये आइडिया uh, दे रहा है गेट रियल अबाउट इट गेट प्रैक्टिकल अबाउट इट ये चीज नहीं पॉसिबल यानी और थिंकिंग इट जस्ट जस्ट लाइक दैट तो उस चीज को काम करने के लिए कि फुलिश आइडिया है उसको सोचो दोबारा इन अ इन अ का मतलब है बहुत कॉन्साइजली बहुत ब्रीफली किसी भी चीज को बताना ठीक है आप कम शब्दों में ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं हेयर इज आवर प्रपोजल इन अ नॉट शेल वी वॉन्ट टू सेल आवर बिजनेस टू यू ठीक है तो यहाँ पे क्या प्रपोजल है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेरा प्रपोजल है नटशल में एक ब्रीफ में बताऊं तो हम आपको अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं हु डू यू थिंक यू आर ये बहुत कॉमन सेंटेंस है क्या क्या लगता है तुम्हें कौन हो तुम हम इस तरीके से गुस्से में बोलते हैं तो who do you think you are यहां पे आ जाएगा एंड नेक्स्ट इज इग्नोरेंस इज अ ब्लिस की अज्ञानता ही परम आनंद है हिंदी में अगर मैं बताऊं तो कि किसी चीज के बारे में नहीं पता होना बेटर है उसके बारे में पता होने से कैसे आप गॉसिप वगैरह करते हैं कि कोई आके आपको कुछ बता रहा है कि यार तुझे पता उसने ऐसे क्या सो so, उसमें क्या बोलता है इग्नोरेंस इज अ ब्लिस छोड़ो मुझे नहीं जाना आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो आई डोंट वॉन्ट टू हियर अबाउट दम इग्नोरेंस इज अ ब्लिस इन दिस केस ओके नेक्स्ट इज आई हैव नो क्ल्यू मुझे नहीं पता मुझे आइडिया नहीं है आई डोंट नो की जो आई हैव नो क्ल्यू मुझे नहीं पता ओके okay? एंड देन टू लेट समी हुक इसका मतलब है कि अलाउ करना किसी को पनिश करने के लिए विद पनिशमेंट नहीं करने के लिए ठीक है कि किसी को आपने चोरी करते हुए पकड़ा है या कुछ गलत करते हुए पकड़ा है या इलीगल करते हुए पकड़ा है एंड लेट देम गो कि हम पनिशमेंट कर रहे हैं इफ यू आस्क मी देट हिम ऑफ द हुक टू इजीली उसे उन्होंने बहुत जल्दी जाने दिया उसको और पनिश करना चाहिए था थिंक फास्ट जल्दी सोचो टू हिट द नेल ऑन दी हेड दिस इज माई फेवरेट अगर मैं बताऊँ तो टू से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट जो चीज बिल्कुल सही है टू हिट द नेल ऑन दी हेड ओके आई थिंक डेविड हिट दी नेल ऑन दी हेड वेन ही सेड दैट किड्स वोंट वॉन्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट जब उन्होंने बोला कि बच्चे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि डेविड ने बिल्कुल सही बात बोली थी और लेट नहीं होना चाहते हैं आप तो आप बोलेंगे आई बेटर बी ऑफ नाउ आई शुड लीव नाउ तो दोनों में से आप कुछ भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं Hang in there. इसका मतलब है रिमेन परसिस्टेंट एंड डिटरमाइंड इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस uh, मैंने बताया था कि आप कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में तो आप बोलते हैं अगर कोई भी आपसे पूछ रहा है कि हाउ आर यू तो आप रिप्लाई करते हैं जस्ट हैंगिंग इन देयर इसका मतलब है कि सिचुएशन तो खराब है बट स्टिल आई एम परसिस्टेंट अबाउट इट ठीक है इन द सेकेंड हाफ वी वी जस्ट हैड टू हैंग इन देयर सेकेंड हाफ में हमें परसिस्टेंट uh, रहना पड़ा डिटरमाइंड रहना पड़ा जैसी भी सिचुएशन थी उसके बावजूद दिस वन ये वाला दैट वन वो वाला इफ समथिंग इज क्लोज टू यू तो आप उसके लिए दिस का यूज करते हैं अगर कोई चीज आपसे दूर है तो उसके लिए आप दैट का यूज करते हैं एंड कमेंट बॉक्स में आप ट्राई कीजिए कुछ सेंटेंसेस बनाए दिस और दैट से रेलिवेंट जो चीजें आपके पास है जो चीजें आपसे दूर है उसके लिए ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए गुड थिंग्स कम टू दोज वेट अब जैसा ये पता चल रहा है कि अच्छी चीजें सिर्फ उनके पास आती है जो वेट करते हैं सब्र का फल मीठा होता है हम हिंदी में बोलते हैं तो पेशेंस इज अ वर्च्यू ठीक है पेशेंस करना एक अच्छी चीज होती है दे से दैट गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट एंड आई एम श्योर इट इज ट्रू इफ यू हैव द पेशेंस टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम इवेंचुअली समथिंग गुड विल कम अप टू यू कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा अगर आप पेशेंसली वेट कर रहे हैं आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि अच्छी चीजें उनके पास ही आती है जो वेट करते हैं फल मीठा होता है इसलिए वी शुड वेट एंड एंड नाउ इज द टाइम टू नो आई डोंट नो के रिप्लेस वाले फ्रिजेस कौन कौन से हैं सो सबसे पहला है अगर मैं बताऊं तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन आई विल फाइंड आउट

Lover, God knows. Who knows? आई डोंट नो तो उसके उसके लिए हम ये भी यूज करते हैं राइट एंड right? uh, एक इडियम बहुत फेमस है योर गेस इज एज गुड एज माइन मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोस में किसी वीडियो में बात भी किया हुआ है वो मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे सो so, uh, कि मुझे भी आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में ओके एंड लास्ट वन इज एज फार एज आई नो या फिर वाई डोंट वी आस्क हिम कि मुझे आइडिया नहीं है क्यों ना उस इंसान से चल के पूछते हैं तो हिम की जगह आप नाम यूज कर सकते हैं या हर की जगह आप पर्टिकुलर नाम यूज कर सकते आप यूज कर सकते हैं, हैं okay. है, इनमें से सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद आया वो मुझे आप कमेंट करके बताइए आपके दिमाग में कुछ आइडियाज है या कुछ कंफ्यूजन है कि हमें ये पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें नहीं समझ में आ रहा है तो आई विल कम अपट मुझे सजेस्ट किए उसके लिए एंड टाइम मैनेजमेंट पे मैंने uh, ये कुछ लास्ट में स्लाइड ऐड की है तो हम आप भी समझेंगे कि टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए किस तरीके से हम चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं किस तरीके से हम टाइम को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले वर्क ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट आपके पास कुछ टास्क है पर्टिकुलर फाइव टू सिक्स टास्क क्या है आज एक दिन में करने के लिए तो आप सबसे पहले तो उनको ऑन पेपर नोट डाउन कीजिए देखिए कि आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है कि वो पर्टिकुलर टाइम तक ये काम हो जाना चाहिए तो वो आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए एंड देन असाइन द राइट पीपल फॉर द राइट टास्क अब ऐसा नहीं है कि कोई काम है और दूसरे इंसान में इसके लिए नहीं है और आपको वो काम जबरदस्ती उसी से कराना है अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए सो so, वो ऑब्वियसली एक टाइम वेस्ट है तो आप वो काम उनको दीजिए जो जिसे सही से आता है अब एक इंसान है जिसे कुकिंग ही नहीं आती और आप खाना बनवाने में लगे हुए हैं ऑब्वियसली टाइम वेस्ट एनर्जी वेस्ट सोर्स वेस्ट सब कुछ वेस्ट होगा तो इसीलिए सही इंसान को सही काम कीजिए हिंदी में कहावत भी है अः जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो टन टन बाजे तो इस तरीके से नेक्स्ट इज बी फुली एंगेज टास्क इन फ्रंट ऑफ यू जो भी काम है उसमें आप फुलिस एंगेज रहिए ऐसा नहीं है कि आप स्टडी के साथ में आप फोन यूज कर रहे हैं तो आप इफेक्टिवली यू कैन नॉट स्टडी ठीक है तो आप जो काम कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेशन पूरा होना चाहिए आप पूरे तरीके से एंगेज होना चाहिए देन ओनली यू कैन कंप्लीट इट विद इन टाइम एंड लास्ट वन पॉजिटिव नोट फॉर यू कि आप हमेशा ये चीज रात को खुद को बोल के सोइए एंड इट रियली हेल्प ठीक है अपने अंदर जब तक आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं होगी आप बाहर भी कहीं पॉजिटिविटी स्प्रेड नहीं कर पाएंगे सो so, आपको बोलना चाहिए आई एम अमेजिंग आई कैन डू एनी थिंग आई चूज टू बी पॉजिटिव एंड आई नो माई वर्थ एंड आई व्योरली सक्सीड इन फ्यूचर ठीक है अगर आपके बड़े ड्रीम्स हैं बड़े सपने हैं तो आप ये सारी चीजें जरूर बोल के सोना चाहिए इट क्रिएट्स पॉजिटिव और ठीक है आपके फेस पे वो चीज दिखती है एंड दूसरों को वो चीज दिखेगी तो ऑब्वियसली आप एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर रहेंगे अपने आसपास के लोगों के लिए इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक मेरे पेज का नाम है लर्न इंग्लिश विद अंकुर आप लोग मुझे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं फॉर अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच गाइज अभी तक सुनने के लिए डू शेयर लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जितना हो सके शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडियाज है तो बाय थैंक यू सो मच